पीएम मोदी का कांग्रेस पे तंज, कहा कितना भी काला जादू कर ले जनता नहीं करेगी विश्वास। जस्टिस यू ललित होंगे देश के अगले सीजेआई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगाई मुहर। डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी यादव ने कही बड़ी बात, 2-3 महीने में देंगे युवाओं को रोजगार। सीएम योगी ने दिया 150 नई बसों का तोहफा, 60 से अधिक उम्र की महिलाओं को जल्द मिलेगी मुफ्त सेवा। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में सुरक्षा बलों की को मिली बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। आजादी का 75वें वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर आजादी के अमृत महोत्सव पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया गया। इस हर घर तिरंगा अभियान को ऐतिहासिक बनाने की जोर शोर से कोशिश की जा रही, वहीं देश भर में इसको लेकर चल रहे तिरंगी यात्रा में बाइक पर बैठकर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां की विधायिका सैयदा खातून ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरिसिया का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टरों और कर्मचारियों की भगदड़ का माहौल मच गया। वहीं अस्पताल की व्यवस्था ठीक ना मिलने पर विधायिका ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को पत्र लिखकर कहा, डुमरियागंज में हम गए थे तो वहाँ पे डॉक्टर मौजूद हैं और देख भी रहे थे, दवा भी दे रहे थे, कोई कमियां नहीं, वहाँ बस बिल्डिंग जर्जर हालत में है। वो सब दिक्कत अपनी बता रहे थे। जो वहाँ नर्स मौजूद हैं वो कह रहे थे सिर्फ हम लोगों को बैठने की जगह है और कोई जगह नहीं जो चू ना रही, जबकि वहाँ डिलीवरी केस भी आते हैं। एक डॉक्टर रहना बहुत ज़रूरी डुमरियागंज में, और यहाँ सिरसिया में हम आए हुए हैं, यहाँ मुझे सारे स्टाफ मौजूद मिले और डॉक्टर लोग भी मौजूद मिले और यहाँ सुविधाएं सब अच्छी हैं। महिला के साथ अभद्रता करने वाले श्रीकांत का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि गाजियाबाद में भी एक महिला ने भाजपा नेता के बेटों पर मारपीट, अभद्रता व एवं गाली गलौज का आरोप लगा दिया। महिला का आरोप है कि महिला जिस फ्लैट में रहती है उस वह किसी बिल्डर का है और बिल्डर उसके मीटर से चोरी छुपे बिजली चोरी करता था। जब इसकी शिकायत उसने बिल्डर के से की तो बिल्डर के बेटे ने उसके साथ मौके पर ही गाली गलौज शुरू कर दी। ये यहाँ पे घर में आके बदतमीजी करके गए, थ्रेड भी देखे गए, गुंडों जैसा बिहेवियर इनका, ऊपर से थ्रेड, ऊपर से मेरे को प्रशासन का रोक के सब हमारे हाथ में है, बीजेपी में है क्योंकि वो लोग, और उस पर से पुलिस वाले हमारे कहने पे चलेंगे, सब सब इनके मतलब इन्होंने मेरे को ऐसे डराया हुआ है, ऐसे मेरे को एक किया हुआ है कि मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। इन्होंने मेरे को मतलब बिल्कुल ऐसे कहा है कि तू कुछ नहीं कर सकती है। बिजली को मीटर को लेकर दोनों पक्ष में एक विवाद हुआ था, उसके लेकर वादिनी शशि जो महिंद्रा इनकलाब में रहता है उनके द्वारा दिया गया तहरीर पे ऊपर थाना कविनगर में 10/43/22 में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। धारा है 452, 504, 506, 354 और 354 बी। साक्ष्यों के आधार पर जांच किया जाएगा और उचित कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। खबर संभल से, जहां पुलिस अधीक्षक ने पिछले एक महीने में कांवड़ और मुहर्रम के समय शांति व्यवस्था बनाए रखने में सफल रहे पुलिसकर्मियों को धन्यवाद दिया और कहा कि मैं कामना करता हूं कि यह जुगलबंदी भविष्य में भी चलती रहे। गाजियाबाद में अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह, मेयर और गाजियाबाद के विधायक समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में बढ़कर हिस्सा लिया। वहीं मंत्री के वीके सिंह ने बताया कि इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य लोगों की में देशभक्ति का जज्बा पैदा करना था। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। देखिए, तिरंगा यात्रा इसलिए कि हम सबको प्रेरित कर सकें, हर घर घर तिरंगा अभियान, ये देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं
और इसके अंदर जितने लोग अपने घर पर तिरंगा फहराएंगे उतना ही देश का मान बढ़ेगा। तिरंगा यात्रा प्रारंभ की जा रही है और घर घर तिरंगा ये संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और हम सब लोग मिलकर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उन बलिदानों को जिन्होंने देश के लिए अपना श्रेष्ठ बलिदान किया है और उन संघर्षों को याद करते हुए और उनका ये स्मरण घर घर तक लोगों को पहुंचाएं, देश की आज़ादी का महत्व सब लोगों के मन में स्मरण रहे, इस प्रकार की भावना हम लोगों की है। रामलीला मैदान में मौजूद है जहां पर थोड़ी देर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, निकलकर लगभग थोड़ी दूर तक जाएगी जहां पर सभी यहां के जो मंत्री हैं सभी लोग पहुंच रहे हैं और यहां पर सभी लोग आ चुके हैं, लगभग सबका आना तय है क्योंकि यहां पर जो तिरंगा यात्रा है लोग लगातार यहां बाइक गाड़ियों से सभी लोग यहां पर मौजूद हैं, नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जी हैं नरेंद्र कश्यप जी से हम पूछना चाहेंगे कि किस तरह से कितने लोग यहां पर और कितने की जनसंख्या यहां पर लोग आने वाले हैं। नरेंद्र जी, ये बताइए कि यहां पर कितने लोग एकत्रित हुए हैं अभी तक और कितने लोग पहुंचे कि तिरंगा यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक होने वाली है। हजारों भाजपाई, हजारों राष्ट्र प्रेमी आज रामलीला मैदान में इकट्ठा हो गए हैं, जिस तरह आने का सिलसिला है लगता है कि थोड़े बहुत देर में सड़कों पे जगह नहीं होगी, यानी हाथों में तिरंगा आज इस बात को शो कर रहा है कि हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोग हिंदुस्तान के वैभव के लिए, भारत माता के वैभव के लिए, देश की एकता खंडों को बढ़ाने के लिए फिर से तैयार हो गए हैं। राष्ट्र आगे बढ़े, भारत माता का वैभव बढ़े, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मजबूत हो, ये सब यात्रा तिरंगा और ये तिरंगा यात्रा सब इस कार्य को आगे बढ़ाने वाली है। देखिए नरेंद्र कश्यप जी ने साफ तौर पे बताया है कि ये तिरंगा यात्रा लगातार आगे बढ़ती रहेगी, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आह्वान किया है उसको लेकर खास तौर पे आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये पूरा स्टेट पूरा बड़े लोग यहाँ मौजूद, नीचे कार्यकर्ता नजर आएंगे आपको तिरंगा लिए हुए, इस तरह से तस्वीर दिखा सकते हैं आपको। ये पूरा रामलीला मैदान इस समय छकाछक भरा हुआ है तिरंगा यात्रा को लेकर, सभी के हाथ में यहाँ पर तिरंगा देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं ये पूरी रामलीला मैदान की है जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तिरंगा यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। खबर फर्रुखाबाद से, हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुर विधायक के नेतृत्व में भोजपुर विधानसभा में धूमधाम से तिरंगा यात्रा निकाली गई। भाजपा द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा में जमकर जन सैलाब देखने को मिला। आपको बता दें कि खुद खुदागंज स्थित हनुमान मंदिर से यात्रा शुरू होकर कमालगंज, जहानगंज होते हुए मोहम्मदाबाद तक यात्रा निकाली गई। वहीं रैली में जमकर गूंजे देशभक्ति के नारे, युवाओं से लेकर बुजुर्गों ने बड़ी संख्या में तिरंगा रैली भी शामिल हुए। खबर गाजीपुर से, बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत की राष्ट्रीय राजनीति परिदृश्य में तेजी से बदलाव और विपक्षी राजनीति का नए सिरे से ध्रुवीकरण देखने को मिला है। विपक्षी पार्टियां एक बार फिर सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ खड़ी होने लगी हैं। बिहार की राजनीतिक परिवर्तन को लेकर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है। ओपी राजभर ने कहा, अब आंधी आती है तो कोई ना कोई तो पेड़ उखड़ेगा ही। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में यात्रा होगी, इसका समापन गांधी मैदान पटना। प्रकाश जी, अयोध्या में विकास प्राधिकरण ने जमीन कब्जाने वाले भू माफिया की सूची जारी की है, इसमें भाजपा के विधायक और महापौर शामिल है, क्या कहें? इन पे तत्काल कार्रवाई हो, क्योंकि कुछ अधिकारी ऐसे हैं, गरीब कमजोर बेचारे GS बंजर आबादी पे बसे हैं, लेके बुलडोजर जाके उनका मकान तो गिरा दे रहे हैं, 50 साल 60 साल 80 साल से बने हुए मकान गिरा दे रहे हैं, ऐसे लोगों पे तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हरदोई के मघोगागंज में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया तो और खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 9 अगस्त को एक युवक की हत्या कर दी गई थी। वहीं जानकारी के मुताबिक 500 रुपए को लेकर हत्या की गई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। थाना माधोगंज में कल प्रातः एक डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, जिसकी शिनाख्त मंटू के रूप में हुई। एक खेत के पगडंडी पर उसका शव पाया गया। आसपास कुछ खेतों में कुछ झगड़े, कुछ इसके निशान पाए गए थे। इसके सर में चोट थी और गले पर भी कुछ रस्सी के निशान थे। इसके पिता की तहरीर पर बनाम अज्ञात मुकदमा कायम किया गया। उस समय कोई भी लिंक नहीं था। हमारी पुलिस टीम ने इसमें परिश्रम करके और मुखबिर लगा करके फाइनली इसका खुलासा किया है।
माधोगंज पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। इस खुलासे के लिए टीम को 10,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है मेरे द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोग घर घर तिरंगा फहराने की तैयारी के साथ साथ लोगों को जागरूक करने के लिए तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। आज वाराणसी में सिगरा स्थित भारत माता मंदिर में तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसमें प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी और विधायक सौरभ श्रीवास्तव के साथ हजारों की संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। हिंदुस्तान को की तरक्की चाहने वाले हर व्यक्ति आज इस तिरंगा यात्रा को धूमधाम से मना रहे हैं। पूरे देश में उत्सव है और ये किसी एक परिवार की या एक परिवार का, जैसे बताया जाता रहा कि गांधी परिवार नेहरू परिवार ने ये किया, ये पूरे देश के 130 करोड़ लोगों के आज़ादी का उत्सव है। पूरा 130 करोड़ लोग इसको मना रहे हैं। देशवासियों से आह्वान किया है तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हो और अपने घर में तिरंगा लगावे, राष्ट्रीय चेतना से उत्प्रोत हो। आज उन्हीं के आह्वान पूरे देश में चल रहा है। अभी मैं गाजीपुर में था, वहाँ गया था, अब बनारस में निकल करके हम लोग इस यात्रा में सहभाग कर रहे हैं। लोगों से अपील है कि देश से बड़ा कोई त्यौहार नहीं, इसको मनाया जाए। गाजीपुर में केंद्रीय विद्यालय भवन के लिए पूरे विधि विधान से भूमि पूजन संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 40 करोड़ की लागत से केंद्रीय विद्यालय का अपना भवन बनकर जल्दी तैयार हो जाएगा। इसमें क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ बच्चों के स्पोर्ट्स फिटनेस के लिए भी मानक के अनुरूप सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। सर, ये विद्यालय 1986 में शुरुआत हुआ था इस विद्यालय का, और तब से लेकर आज तक इसकी जो स्थायी भवन का निर्माण नहीं हो पाया था, क्योंकि जमीन का जो ट्रांसफर होता है वो जो प्राइवेट संस्था होती है उसको केंद्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में करना होता है। अभिभावक होने के नाते और गाजीपुर का नागरिक होने के नाते मैं विद्यालय परिवार एवं भारत सरकार को यह विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि गाजीपुर में एक ऐतिहासिक कार्य आज हुआ। गाजीपुर की धरती पर मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन के विद्यालय का निर्माण हो रहा है, जिससे हमें यह पूर्ण विश्वास है कि गाजीपुर की जनता, गाजीपुर के लोग काफी लाभान्वित होंगे। बेसिकली ये जमीन जो है ओपीएम फैक्ट्री की थी, जिसको केबीएस के पक्ष में 6 एकड़ जमीन ट्रांसफर किया गया है। यहाँ पे जो है न्यू केबीएस का निर्माण किया जा सके। खबर हरदोई से, जहाँ पुलिस लाइन से उठाया गया मुहर्रम का ताजिया। शहर के गश्त करते हुए भाजपा नेता आसिफ खान शानू के आवास पर पहुंच गया। वहीं ताजिया के आगे पर भाजपा नेता आसिफ शानू ने अपने आवास पर ही लंगर का विशाल आयोजन किया। साथ ही आरिफ खान शानू ने देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को हमेशा रखने की लोगों से अपील भी की। खबर गोंडा से, जहां ब्लॉक मुख्यालय पर सोशल ऑडिट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विकास अधिकारी ने पहुंचते ही सभी ग्राम प्रधान को एकजुट करते ब्लॉक द्वारा उपलब्ध मानक विहीन झंडे पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि बाजार में उपलब्ध झंडा मूल से दोगुना मूल पर दिया जाता है, जिसकी सिलाई खुली झंडा फटा होता है। गोरखपुर पुलिस कैंट ने थाना क्षेत्र के बच्चे को मौत के मामले में शामिल आरोपी झोलाछाप डॉक्टर को इंजीनियरिंग कॉलेज से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। थाना खदनी क्षेत्र में एक अनक्वालिफाइड डॉक्टर ने एक बच्चे का इलाज किया। कंदराई गांव का मैटर है। प्रिंस नाम का बच्चा, जिसकी उम्र 13 साल, उसके पैर में उंगली में चोट थी, जिसका इलाज ये डॉक्टर कर रहे थे। इन्होंने बच्चे को इंजेक्शन दिया, उस इंजेक्शन के बाद उसके मुंह से झाग आने लगा। परिजन स्थिति को नियंत्रण के बाहर देख करके तत्काल लेके जिला अस्पताल भाग कर आए। यहाँ पहुँचते पहुँचते डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर गाजीपुर से, जहाँ सरकारी अफसरों और कर्मचारियों ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारी और अधिकारियों की ओर से विकास भवन के कलेक्ट्रेट तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में विभिन्न विभागों के कर्मचारी अफसर शामिल हुए। मैनपुरी में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पुलिस द्वारा 12 अगस्त को हाफ मैराथन दौड़ आयोजन किया गया। इस हाफ मैराथन दौड़ में पुलिस ने
अलावा सिविल के लोग भी हाथ में तिरंगा झंडा लेकर दौड़ते नजर आए। 5 किलोमीटर की इस हाफ मैराथन दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 10,000 का नकद पुरस्कार, दूसरे स्थान को प्राप्त करने वाले को 7,000 का पुरस्कार और तीसरे स्थान पर आने वाले को 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दिनांक 12 तारीख को सुबह 7 बजे पुलिस लाइन से हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। ये हाफ मैराथन पुलिस लाइन से प्रारंभ होकर कुरावली तिराहा और डीएम रेजिडेंस, भोगांव रोड, फिर सर्किट हाउस और ये सब होते हुए पुनः पुलिस लाइन में इसका समापन होगा। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा का आयोजन किया गया, जो 13 अगस्त को 15 अगस्त के बीच मनाया जाएगा। इसे और भव्य बनाने के लिए बुलंदशहर के जिला पंचायत अध्यक्ष अतुल तेवतिया ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान सभी जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं के साथ सैकड़ों बाइकों पर तिरंगा झंडा लगाकर गुलावटी कस्बे के बुलंदशहर जिला पंचायत कार्यालय पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।